नमस्कार दोस्तों, मैं यशवीर सिंह एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके लिए आधुनिक भारत की सामान्य ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लॉकडाउन में आप अच्छे से चीजों को पढ़ रहे होंगे, अच्छे से आप चीजों को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ब्रिटिश कंपनी के शासन का या ब्रिटिश कंपनी का पहला पार्ट। इससे पहले जो वीडियो रही थी उसमें आपको ब्रिटिश कंपनी के बारे में बेसिक जानकारी दी थी, लेकिन आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी दे रहे हो, लोअर पीसीएस, पीसीएस या आईएएस या टेट, सुपर टेट, ए टू जेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, हर एग्जाम में इस टॉपिक से आज का जो पढ़ाने जा रहा हूँ कहीं ना कहीं एक प्रश्न जरूर आता है। तो आज का टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसको पूरे मन से लगन के साथ इस टॉपिक को समझना। थोड़ी चीजें मतलब मैं इस तरह से आपके सामने व्यवस्थित रूप से क्रम में पेश करूंगा, जिससे कि आपको आसानी से टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले वीडियो में हम देख चुके थे ब्रिटिश कंपनी के बारे में, ए टू जेड हमने जाना था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश कंपनी को भारत से रिलेटेड, किस प्रकार से ब्रिटिश कंपनी का विस्तार अथवा उसका शक्ति का विकास भारत में हुआ था। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश कंपनी को भारतीय दृष्टि से देख रहे हैं। तो देखो हुआ क्या था, जैसे कि आप जानते हो 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ द्वारा परमिशन दे दी जाती है ब्रिटिश कंपनी को, और ब्रिटिश कंपनी अपने व्यापारिक उद्देश्य से इंडोनेशिया के जकार्ता, सुमात्रा या जावा या आपका मलेशिया के मलक्का इत्यादि द्वीपों की ओर क्या करती है, यात्रा शुरू कर देती है, व्यापारिक अपनी यात्राएं प्रारंभ कर देती है। इस कंपनी का उद्देश्य यही था कि वो जो मसाला व्यापार चल रहा था इन द्वीपों से और अन्य विदेशी कंपनियों का, उसमें अपनी सहभागिता क्या कर सके, दर्ज करा सके। इसी उद्देश्य के साथ ब्रिटिश कंपनी का पहला जहाज सन 1601 में कहां पहुंचता है, आपका इंडोनेशिया पहुंच जाता है। अभी भारत जैसे देश से इनकी चीजें प्रारंभ नहीं होती, इन्होंने सबसे पहले फोकस कहां करा था, आपका इंडोनेशिया में। भारत में जो प्रयास हुआ था इनका वो 1608 में हुआ है, लेकिन उससे पहले जाने से पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति था मिल्डेनहॉल, इसका नाम है जॉन मिल्डेनहॉल एक ब्रिटिश यात्री था, ठीक है, ब्रिटिश था ये, अंग्रेज था, और ये जो आया था 1599 में आया था, और किसके समय आया था, आपके अकबर के समय, ठीक है। तो जॉन मिल्डेनहॉल ब्रिटिश था, 1599 में भारत आया था, अकबर के समय आया था। इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है ये कहा जाता है या ये तथ्य है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो कौन था, जॉन मिल्डेनहॉल था। दूसरी बात, जॉन मिल्डेनहॉल जो भारत आया था ये स्थल मार्ग से आया था, ठीक है, ये स्थल मार्ग से आया था, जलीय मार्ग से नहीं आया था। तो इसके वजह से मैं कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, जॉन मिल्डेनहॉल किसके समय आया था, अकबर के समय कब आया, 1599 किस मार्ग से आया था, स्थलीय मार्ग से आया था, और ये कहाँ आया था, गुजरात में आया था। किसने भी कहने में एक व्यापारिक जैसी चीजों की बात की थी अकबर से, गुजरात से व्यापार करने की इसको परमिशन नहीं मिल पाई थी, ऐसा कुछ खास ज्यादा नहीं रहा था, उसके बाद ही रिटर्न हो गया था। अब जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमें जहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं वो अब हमें पढ़ना है, और जिस व्यक्ति का नाम था आप जानते ही हो, कैप्टन हॉकिंस। यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कैप्टन हॉकिंस से। तो देखो कैप्टन हॉकिंस की बात करते हैं, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस इससे सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कैप्टन हॉकिंस के बारे में कि किसके समय आया था। तो आप जानते हो कैप्टन हॉकिंस जो आया था वो जहांगीर के समय आया था, ठीक है, जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंस भारत आता है। और एक दूसरी बात इसके विषय में कैप्टन हॉकिंस के विषय में ये बात थी कि कैप्टन हॉकिंस जो भारत आया था उस समय जो सम्राट था कहां का, ब्रिटेन का, वो था जेम्स फर्स्ट। तो सम्राट कौन था, जेम्स फर्स्ट के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है, कहां आता है, भारत आता है। लेकिन एक बात थी, जेम्स प्रथम का जो पत्र इसको मिला था, पत्र किसने दिया था इसको, कैप्टन हॉकिंस को, किसने दिया, जेम्स प्रथम ने दिया था। जेम्स प्रथम के पत्र जो दिया गया कैप्टन हॉकिंस को, वो जो पत्र जारी करा गया था वो जहांगीर के नाम से नहीं था, वो जो पत्र जारी हुआ था वो पत्र जारी हुआ था अकबर के नाम से। मेरी बात समझ रहे हैं आप, अर्थात जब ये वहां से चला था
या जेम्स प्रथम को चीजें पता थी, वो ये पता थी कि भारत में वो है अकबर वहां का सम्राट है, लेकिन जब ये भारत आया तो किसकी मृत्यु हो चुकी थी, 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, और भारत में जो मुगल सम्राट था वो कौन था इस समय, जहांगीर था। ठीक है, ठीक है। तो ये भारत आता है, भारत आया, एक प्रश्न पूछता है कि इस वर्ष आया था, तो कैप्टन हॉकिंस भारत में 1608 में आया था और 1608 से 1611 तक रहा था, 16 अलग अलग भारत से रिटर्न हो गया था। दूसरी बात समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि देखो समझना, जेम्स प्रथम इसके प्रतिनिधि रूप में आ गया, भारत अकबर आ गया। ठीक है, एक पूछता है आपसे प्रश्न इसके कैप्टन हॉकिंस के विषय में कि किस जहाज से आया था, तो वो जो जहाज था उस जहाज का नाम था हेक्टर। क्या नाम था? हेक्टर। हेक्टर नाम जहाज से भारत आया था। ये जहाज का नाम हेक्टर ना मिल गया आपको, रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन भी मिल सकता है। तो हेक्टर नामक जहाज से या रेड ड्रैगन नामक जहाज से भारत कौन आता है, कैप्टन हॉकिंस आता है। दूसरी बात, कैप्टन हॉकिंस बहुत अच्छा ज्ञाता था तुर्की भाषा का, फारसी भाषा का, कहा जाए तो ये तुर्की भाषा का फारसी भाषा में अच्छा ज्ञान रखता था। और जब ये भारत आया तो कहां पर आया था, सूरत आया, कहां पर पहुंचा, सूरत पहुंचा था। और सूरत पहुंचने के बाद इसकी प्रथम इच्छा थी जहांगीर से मिला जाए या मुगल सम्राट से मिला जाए। जहांगीर से इसने मुलाकात की, और मुलाकात इसकी मुलाकात कब होती है, मुलाकात होती है इसकी आगरा में। ठीक है, तो जहांगीर कैप्टन हॉकिंस से मुलाकात किया, कहां किया, आगरा में किया। ठीक है, अब इससे मुलाकात होती है तो कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से जो बातचीत की थी वो बात की थी फारसी भाषा में, और यह आप अच्छे से जानते हो कि फारसी भाषा मुगल राजशाही भाषा थी, तो फारसी भाषा में इसने जब उससे बात की तो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया कौन, जहांगीर कैप्टन हॉकिंस से। और कैप्टन हॉकिंस की ये इच्छा थी कि किसी प्रकार से जिस उद्देश्य से जेम्स प्रथम ने यानी कि ब्रिटिश सम्राट ने उसको भारत भेजा है, व्यापारिक उद्देश्यों के पर्पस से उसको एक परमिशन मिल जाए भारत से व्यापार करने की। और कहीं ना कहीं वो प्रारंभ में सफल भी हो गया। सफल कैसे हुआ, सफल ऐसे हुआ कि उसने अनुमति मांगी सूरत से व्यापार करने की, या सूरत में व्यापारिक कोटी खोलने की अनुमति मांगी थी, और जहांगीर ने उसको सूरत में व्यापारिक कोटी खोलने की अनुमति भी प्रदान कर दी, है ना। तो सूरत में अनुमति प्रदान कर दी, जैसे ही अनुमति प्रदान करी, लेकिन कुछ समय तुरंत सभी दरबार वगैरह में जो आपके पुर्तगाली भी थे, ठीक है, तो सूरत में अनुमति मिल गई और कहता था कोटी खोलने के लिए इसको कैप्टन हॉकिंस को, लेकिन लेकिन पुर्तगाली और जो सूरत के व्यापारी थे, जो सूरत के व्यापारी थे, उन लोगों ने विरोध कर दिया। उन्होंने विरोध करा कि नहीं, इसको परमिशन ना दी जाए, ये परमिशन कैंसिल करा दी जाए। तो बाद में जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर ने क्या करा, उस सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन को कैंसिल कर दिया, और फिर कैप्टन होने से एक प्रकार से क्या हो गया, असफल हो गया। तो जिस उद्देश्य से आया था तो प्रारंभ में उसको सफलता दिखाई दे रही थी कि मिल जाएगी, परमिशन मिल भी गई थी, लेकिन पुर्तगालियों के और व्यापारियों के विरोध के चलते उसकी सूरत की परमिशन को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब इससे प्रभावित हुआ फारसी भाषा में बातचीत की, कुछ ना कुछ जहांगीर तो उसको बदले में देगा, तो दिया, क्या दिया। अब यहाँ से पूछता है आपसे कि जहांगीर पूछ लेता है ये कि जहांगीर ने किसको, निम्नलिखित में से किसको जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी, अथवा पूछ लेता है आपको कि कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर द्वारा कितने का मनसब प्रदान किया गया। तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने दो चीजें दी, एक पहला क्या था उसको, एक खान की उपाधि दी, खान की उपाधि, एक तो खान की उपाधि प्रदान किया कैप्टन हॉकिंस को। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि प्रदान कर दी। दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाता है कितने का मनसब प्रदान किया, 400 का मनसब प्रदान किया। अब मनसब क्या होता है, ये सब चीजें यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मुगल काल जब पढ़ेंगे कभी अकबर के समय, तब मनसबदारी प्रथा को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना जान लो 400 का मनसब प्रदान कर दिया। ठीक है, और इसके बाद असफल तरीके से कैप्टन हॉकिंस 1611 में क्या होता है, भारत से रिटर्न होकर के चला गया। ठीक है, भारत से वापस होकर के चला गया। अब दूसरी बात आती है, फिर आपसे पूछ लेता है, आपसे कई बार पूछा गया है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कोटी की स्थापना कहां की थी। तो अगर देखा जाए गैर कानूनी रूप से, है ना, तो पहली कोटी की स्थापना हुई थी उनकी सूरत में ही हो गई थी, हालांकि जो परमिशन मिली थी वो बाद में मिली थी। सूरत में ही 1613 में फैक्ट्री खोलने की अनुमति जहांगीर ने दी थी,
दी कैसे थी, मैं उसको यहाँ थोड़ा समझा दे रहा हूँ किस प्रकार से परमिशन हुई थी। तो देखो समझने वाली बात ये है कि अंग्रेज था, उसका नाम था मिडलटन। कैप्टन मिडलटन ने 1611 की बात थी, कैप्टन मिडलटन ने 1611 में एक स्थान है स्वाली, ये पड़ता है आपका सूरत के पास में, कहां पड़ता है भारत के गुजरात में सूरत के पास पड़ता है। यहां पर कैप्टन मिडलटन के नेतृत्व में 1611 में इसने क्या करा, एक फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी थी या बेड़ा था, जहाजी बेड़ा था, सॉरी फ्रांसीसी पुर्तगाली है, कौन था, पुर्तगाली जहाजी बेड़ा था। तो 1611 में स्वाली के नजदीक सूरत में कैप्टन मिडलटन ने पुर्तगाली जहाजी बेड़े को पराजित कर दिया, और जब पुर्तगाली पराजित हो गए किनसे, अंग्रेजों से, तो जहांगीर क्या हो गया, प्रभावित हो गया मिडलटन से, या कहा जाए तो अंग्रेजों से प्रभावित हुआ, उसने सोचा कि यार इसने तो पुर्तगाली को हरा दिया है ना, पुर्तगालियों को हरा दिया, यानी कि अंग्रेज जो है कहीं ना कहीं पुर्तगालियों पर हावी हो जाएंगे, उसे ऐसा लगा। तो उसने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1613 में 1613 में अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान कर दी। हालांकि इससे पहले ही 1608 में जब वो आया था उससे पहले ही सूरत में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर दी थी, लेकिन वो कानून रूप से स्थापित नहीं की गई थी, कैदमान रूप से स्थापित की गई थी। तो आपसे पूछे कि पहली अंग्रेजों की भारत में कोठी कहां स्थापित की गई थी, आपका सीधा सा आंसर होगा सूरत, लेकिन जब वो गैर कानूनी पूछेगा तब सूरत आंसर हो जाएगा, पूछे कानून रूप से पहली अंग्रेजों की फैक्ट्री कहां स्थापित हुई थी तो वो थी मसूलीपट्टनम में, उस पर अभी आएंगे बाद में, आगे बढ़ते हैं ठीक है। तो इस प्रकार से 1630 में सूरत परमिशन मिली। अब दो व्यक्ति हुए, अब जो हमें तीसरा पढ़ना है जहां से प्रश्न पूछा जाता है, अब उसको देखते हैं। तीसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था टॉमस रो, कौन था, टॉमस रो, देखो टॉमस रो को जानते हैं, टॉमस रो 1615 भारत आया और 1618 तक भारत में रहा ठीक है। इसके सम्राट कौन था वहां पर, जेम्स फर्स्ट ही। तो टॉमस रो 1615-1618 भारत में आया था, जेम्स ये भी सूरत आया था ठीक है, कहां पर पहुंचा था, ये भी आपका सूरत पहुंचा था ठीक है। लेकिन इसकी बड़ी सफलता ये रही थी, इसकी सबसे बड़ी सफलता वो ये थी कि इसके लिए जहांगीर ने प्रॉपर जो व्यापारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से कैप्टन हॉकिंस आया था इसको बोलते से प्राप्त हो गए, और बात आ जाए प्रमाण पत्र वगैरह या पत्र कहा जाए जिस प्रकार से वो जहांगीर द्वारा जारी कर दिया गया, किसके लिए, टॉमस रो के लिए, अर्थात ब्रिटिश अब भारत से प्रॉपर व्यापार कर सकते हैं, उन्हें बाकायदे चीजें दे दी गई ठीक है। तो सफल कौन हुआ, टॉमस रो। अब पूछता है आपसे कौन जहांगीर से व्यापारिक पत्र प्राप्त करने में सफल रहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा सीधा टॉमस रो ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने तीन लोगों को पढ़ा ठीक है, किस किस को पढ़ा, जॉन मिल्डेनहॉल को पढ़ा, अकबर के समय आया था, फिर हमने पढ़ा कैप्टन हॉकिंस को पढ़ा, कैप्टन हॉकिंस को पढ़ा, और देन हमने पढ़ा टॉमस रो ठीक है, टॉमस ठीक है ठीक है। तो ये हो गए जॉन मिल्डेनहॉल, कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो, हमने इन तीनों को पढ़ लिया। अब देखो अब यहां से आगे कहानी स्टार्ट होती है ठीक है। अब टॉमस रो या इनसे अब कहानी स्टार्ट, वो सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है ठीक है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे इन दोनों से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कभी कभार जॉन मिल्डेनहॉल से पूछ लेता है किसके समय आया था ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो हमारे जो अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि ब्रिटिश कंपनी का किस प्रकार से भारत में शक्ति का उदय हुआ, एक शक्ति का विस्तार। देखो हम यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी को ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी की शुरुआत कर रहे हैं, और हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं केवल यहाँ तक पढ़ेंगे कि बंगाल में ब्रिटिश कंपनी का प्रवेश हो जाता है ठीक है। और ब्रिटिश कंपनी बंगाल में शक्ति के रूप में हल्के हल्के उभर रही है, यहाँ तक हमें पढ़ना है। एक प्रकार से कहा जाए तो हमें 1717 तक 1717 तक ही ब्रिटिश कंपनी को यहाँ पर पढ़ना है, उसके बाद जो ब्रिटिश कंपनी को पढ़ना है वो बंगाल के साथ पढ़ेंगे, और फिर आधुनिक भारत में तो आप जानते हो पूरा ब्रिटिश कंपनी से ही बना पड़ा है ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आगे चीजों को बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पर पैराग्राफ में चेंज छोटा सा, यहाँ पर समझने वाली बातें काफी है ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक पैराग्राफ लेते हैं इस प्रकार से देखा जाए तो, देखो मैंने बताया कि यहां पर आप गुजरात
ठीक है, सॉरी यहाँ गुजरात महाद्वीप, गुजरात सॉरी गुजरात आपका गुजरात राज्य हो गया। गुजरात में आपका यहाँ पर एक सूरत, सूरत यहाँ पर है गुजरात में सूरत। सूरत में अंग्रेजों ने 1608 में क्या कर लिया, अपनी कोटे की स्थापना कर ली थी, प्रारंभिक रूप से स्थापित हो गई थी, लेकिन फाइनली परमिशन मिली थी 1613 में जाकर के जहांगीर ने प्रॉपर तरीके से परमिशन दे दी थी। क्लियर हो गई, दूसरी बात आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ कुछ चीजें हैं, एक तो हमारे पास ये हो गया आपका क्या कहते हैं आपका गुजरात वाला हिस्सा जो हमें प्रॉपर पढ़ना है, एक तो गुजरात वाला हिस्सा पढ़ना है, एक हमें पढ़ना है मुंबई, एक हमें पढ़ना है आपका चेन्नई मद्रास वाला, और एक हमें पढ़ना है पूरा का पूरा बंगाल। ठीक है, बंगाल का डायग्राम बना ही लेते हैं इसके पास। ठीक है, कुछ ऐसे ले लेते हैं, ठीक है बंगाल को यहां ले लेते हैं। तो अब हमें ये पढ़ना है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले सूरत की बात करता हूं। आपने जाना कि 1608 में यहाँ पर कैप्टन होकेस आया, स्थापना कर दी कोटे की, स्थापित हो कोटे की स्थापना हो गई 1613 में, प्रॉपर परमिशन लेगी जहांगीर से, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, और हम यहाँ पर आते हैं आपका सबसे पहले कहाँ, मसूलीपट्टनम, एक स्थान है यहाँ पर मसूलीपट्टनम। ठीक है, और ये मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में कहाँ पर, इस सब मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में जब आपने आपको टेस्ट पढ़ाई थी। तो देखना मसूलीपट्टनम यहाँ पर है, मसूलीपट्टनम वर्ष की बात की तो 1611 मसूलीपट्टनम में, ठीक है, अंग्रेजों ने है ना दक्षिण भारत में अपनी पहली कोटी की स्थापना की थी। तो आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोटी कहां थी, ठीक है, तो आपका सीधा आंसर होगा मसूलीपट्टनम, कब, 1611। क्लियर, अब देखो यहाँ पर दो चार बातें, कौन 1611 में यहाँ पर अंग्रेज आ जाते हैं, हालांकि आप जानते हैं इससे पहले 1605 में यहाँ पर कौन लोग थे, डच भी थे। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम में स्थापना हो गई कोटे की अंग्रेजों की। एक बात और यहाँ पर, पहली है ना, पहली कानूनन रूप से स्थापित अंग्रेजों की भारत में कोटी कौन सी थी, तो आप सीधा आंसर दोगे मसूलीपट्टनम। क्लियर, आगे बढ़े, देखो 1611 मसूलीपट्टनम की स्थापना हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है, स्थापना कर दी गई, यहाँ पर स्थापित हो जाती है। अब यहाँ पर आप जानते हो कि यहाँ पर डच पहले ही आ चुके थे, और डच कब आए थे यहाँ पर, 1605 में डच अपनी कोटे की स्थापना कर चुके थे, अंग्रेज आए थे बाद में। तो यहाँ पर डचों को है ना 1605 में आए थे डचों को अंग्रेजों के मुकाबले यहाँ पर मसूलीपट्टनम में ज्यादा क्या होगा, अनुभव होगा, और मसूलीपट्टनम के आसपास के जो भी व्यापारी वर्ग होगा वो किसके ज्यादा टच में होगा, डचों के। ठीक है, एक बात, मसूलीपट्टनम जो आता था उस समय आपका जो गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा राज्य था, गोलकुंडा राज्य वर्तमान का आंध्र प्रदेश और कुछ भाग तेलंगाना का मिलाकर गोलकुंडा राज्य बनता था उस समय। ठीक है, तो गोलकुंडा राज्य में मसूलीपट्टनम आता था। तो मैं ये बता रहा था कि मसूलीपट्टनम में किसका प्रभाव रहा होगा, 100% डच का रहा होगा, क्योंकि डच अंग्रेजों से पहले यहाँ पर थे, और जो लोकल व्यापारी वर्ग था, ठीक है, मसूलीपट्टनम का, वो भी किसको सपोर्ट कर रहा था, डचों को सपोर्ट कर रहा था। अंग्रेज एकदम से नहीं यहाँ पर आते हैं, उनकी एकदम से यहाँ पर कोई दाल नहीं डल पाई, ठीक है, ना तो डच सपोर्ट कर रहे थे ना लोकल व्यापारी सपोर्ट कर रहा था, अंग्रेज यहाँ पर परेशान हो गए, और परेशान होकर के, ठीक है, पुलिकट जो मैंने आपको बताया था, पुलिकट से थोड़ा सा नॉर्थ में, थोड़ा सा ऊपर के लिए, पुलिकट तमिलनाडु में है, उसके थोड़ा सा ऊपर के लिए एक स्थान है अलमागांव, अलमागांव वर्तमान में अलमागांव जो आता है वो आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है, तो पुलिकट के थोड़ा सा नॉर्थ में अलमागांव में जाकर के 1626 में अंग्रेजों ने अपनी कोटे की स्थापना कर दी, और मसूलीपट्टनम को छोड़ के कहां आ गए, अलमागांव में। ठीक है, दिक्कत यहीं पर, यहाँ पर फिर दिक्कत आ गई, दिक्कत यहाँ पर ही आई जब वो अलमागांव पहुंचे, और इसके पास में क्या था, पुलिकट, और आप जानते हैं पुलिकट भी किसकी बस्ती थी, डचों की। अब पुलिकट भी डचों की बस्ती थी, अलमागांव में 1626 में आ गए, दिक्कत वही फिर आ गई, फिर वही दिक्कत है मसूलीपट्टनम वाली, अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं मिला, तो उन लोगों ने क्या करा, ना तो उनको डच सपोर्ट कर रहे थे, और ना ही अलमागांव के लोकल व्यापारियों को सपोर्ट कर रहे थे, अंग्रेज फिर परेशान हो गए, फिर परेशान होकर कहां पहुंचे, फिर से आगे मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम, फिर अलमागांव, अलमागांव से फिर कहां पहुंच गए, मसूलीपट्टनम। अब मसूलीपट्टनम पहुंच गए, लेकिन अब उनके दिमाग में था कि व्यापार को स्थायीपन देना है, व्यापार को आगे बढ़ाना है, तो कुछ ना कुछ तो टिक लगानी पड़ेगी। उन्होंने क्या करा, मसूलीपट्टनम आगे, ठीक है कोई बात नहीं, गोलकुंडा के राजा से मिले,
गोलकुंडा के राजा से मिली, गोलकुंडा के राजा से मुलाकात करी और उससे कहा अपनी परेशानियां ये सब चीजें बताई, कभी हम ऐसे से ये सब है वो सब समझा दिया। तो गोलकुंडा के राजा ने 1632 में, ठीक है 1632 में गोलकुंडा के राजा ने एक फरमान जारी करा, एक फरमान, और इस फरमान को नाम दिया गया, ठीक है उस फरमान को नाम दिया गया सबसे फेमस नाम उसका सुनहरा फरमान, सुनहरा, ठीक है। तो एक फरमान जारी हुआ 1632 में किसके द्वारा, गोलकुंडा के राज्य के, गोलकुंडा राज्य के सुल्तान के द्वारा। गोलकुंडा राज्य का हमने बताया भी आपको आंध्र प्रदेश तेलंगाना का सम्मिलित रूप, पहले क्या था गोलकुंडा राज्य था, गोलकुंडा वर्तमान में है कहां पर, हैदराबाद के पास में गोलकुंडा पड़ता है तेलंगाना राज्य, ठीक है। तो समझने की बात को, गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को 1632 में एक फरमान जारी करा और उसको हमने नाम दिया सुनहरा फरमान या गोल्डन फरमान। अब आपसे पूछेगा एक प्रश्न और यहाँ पर कि सुनहरा फरमान था क्या, ठीक है मतलब सुनहरा फरमान में क्या मिला था अंग्रेजों को। तो उनको ये मिला कि गोलकुंडा राज्य के जितने भी बंदरगाह थे, जितने भी पोर्ट हैं, जितने भी बंदरगाह हैं, उन सभी बंदरगाहों से ठीक है इसको अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट प्राप्त हो गई। और जब गोलकुंडा के सुल्तान ने ये फरमान जारी कर दिया तो और व्यापारी या डच कंपनी वगैरह अब उसके मुकाबले स्थिति क्या हो गई कि कमजोर हो गई, अब वो कहीं से भी क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है एक प्रकार से गोल्डन फरमान कहता है। अब आप समझना आगे 1632 में फरमान प्राप्त हो गया, ठीक है कोई दिक्कत मेरी बात समझ गए। अब देखो 32 में फरमान प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने थोड़ा सा ऊपर की ओर जाने का विचार किया और वो पहुंचे बालासोर, कहां पहुंचे बालासोर, और मैं आपको बता चुका हूं बालासोर कहां पर है ओडिशा में, एक स्थान और इसके पास भी हरिहरपुरा, हरिहरपुरा। तो 1633 में 1633 में अंग्रेजों ने ओडिशा के बालासोर और हरिपुरा में भी दो अपनी कोठियां स्थापित कर दी, ठीक है यहां तक पहुंच गए। अब देखो मेरे पास समझना इनका विस्तार कैसे कैसे हो रहा है, मौसुलीपट्टनम हुआ, परमार गांव हुआ, फिर बालासोर हरिपुरा पहुंच गए, यानी कि आपका कुछ भाग देखा जाए तो आपका आंध्र प्रदेश में मौसुलीपट्टनम पूरा क्षेत्र गोलकुंडा राज्य से, गोलकुंडा राज्य पूरा स्थापित हो गया, ओडिशा में स्थापित हुआ। अब थोड़ा सा बात समझना यहाँ पर नीचे, अब समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, देखो बस की बात थी 1639 की बात थी, 1639 की बात थी, यहाँ पर है आपका मद्रास, वर्तमान में यहाँ पर क्या है चेन्नई जिसे आप जानते हो, मद्रास प्राचीन काल का वर्तमान का चेन्नई, क्लियर समझने मेरी बात। एक व्यक्ति था फ्रांसिस डे, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है तो आसानी से समझ में आ जाता है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको, बस थोड़ा सा ऊपर ही बना लेते हैं, ठीक है समझने के लिए आपको। मान लो यहाँ पर मद्रास, यहाँ पर एक स्थान, अरे मद्रास नाम दे रहे, कोई नाम नहीं दे रहे, बस ऐसे एक नाम दे दिया, ठीक यहाँ पर एक स्थान है, एक व्यक्ति था अंग्रेज था, उसका नाम था फ्रांसिस डे, क्या नाम था फ्रांसिस डे नाम है अंग्रेज का, ठीक है फ्रांसिस बस की बात क्या थी, तो बस था 1639 1639, तो बस था आपका 1639 में और फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज था, ठीक है। यहाँ पर एक चित्र था, यहाँ पर एक राजा था, उसका यहाँ पर जो चित्र जो फ्रांसिस डे ने जिस स्थान की मांग करी थी वो बताता हूँ, कल समझो बात, ठीक है फ्रांसिस डे यहाँ पर पहुंचा, उसने यहाँ पर एक शासन था, यहाँ पर जो शासन था वो चंद्रगिरी था, किसका था चंद्रगिरी, चंद्रगिरी वर्तमान में आंध्र प्रदेश का एक मंडल है, चंद्रगिरी वर्तमान में क्या है आंध्र प्रदेश का एक मंडल है, और ठीक है तमिलनाडु के जस्ट एकदम ऊपर को चंद्रगिरी वहां पर लगता है, तो चंद्रगिरी यहाँ पर चंद्रगिरी का एक मतलब गोलकुंडा राज्य था, उस प्रकार से चंद्रगिरी कहता है यहाँ पर चंद्रगिरी राज्य था, ठीक है चंद्रगिरी यहाँ पर राज्य था, और चंद्रगिरी के राज्य से, चंद्रगिरी के राज्य के राजा से जिसका नाम क्या था आपका दल मेला बैंक टप्पा, मेरे पास में फ्रांसिस डे चंद्रगिरी के राजा है ना दल मेला बैंक टप्पा से मिला और उसने क्या परमिशन प्राप्त करी, उसने परमिशन ये प्राप्त करी कि यहाँ पर जो मद्रास है, यहाँ पर जो मद्रास है उसको किस पे ले लिया पट्टे पर ले लिया, पट्टा तो आप समझते हो ना, ठीक है पट्टे पर ले लिया, आई थिंक लीज बोलते हैं शायद है ना, तो पट्टे पर ले लिया,
मद्रास को पट्टे पर ले लिया। किसने? फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर ले लिया। और जैसे फ्रांसिस डे को मद्रास पट्टे पर मिला तो इन लोगों ने मद्रास में किले की स्थापना की और इस किले का नाम था आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। जाने कितनी बार विभिन्न एग्जामों में यह पूछा गया है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां पर था, ठीक है, आपका आंसर रहेगा मद्रास। दूसरा प्रश्न पूछेगा संस्थापक कौन था, किसका? मद्रास का या फोर्ट सेंट जॉर्ज का? तो आपका सीधा आंसर होगा फ्रांसिस डे। तो है ना मजेदार कि मद्रास का संस्थापक एक अंग्रेज था जिसका नाम क्या था? फ्रांसिस डे। परमिशन किससे लिया था? चंद्री के राजा धर्मिला बैंकर पास से। कब लिया था? 1639। तो आपसे पूछे मद्रास की स्थापना कब हुई थी, आप सीधा आंसर दोगे 1639। क्लियर? समझ में आगे बात? संस्थापक कौन हो गया? फ्रांसिस डे हो गया। इस प्रकार से अब आप समझने मेरी बात को, यहाँ से 1200 से आप यहाँ तक आ जाओ, पूरा ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हो। अब मद्रास ईस्टर्न की ओर चले जाओगे, इस वाले पूरे के पूरे क्षेत्र पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहा जाए तो किसका प्रभाव हो गया? धीरे धीरे प्रभाव किसका पड़ता जा रहा था? अंग्रेजों का। और मसूलीपट्टनम जिसको लेकर के कभी मतलब भारत को मचे थी डचों ने भगा दिया था, अब मसूलीपट्टनम कुछ नहीं रहा। अब इस तट पर यह कहा जाता है कोरोमंडल तट पर तो सबसे बड़ा एक मतलब बंदर का उभर करके आया, वो उभर के आया मद्रास, ठीक है। तो सबसे बड़ा बंदर कौन सा बन गया? मद्रास। एक बड़ा व्यापारिक क्षेत्र बन गया आपका मद्रास। क्लियर? तो यहाँ से बहुत ज्यादा पूछता है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आता हूँ बंगाल पर, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं, फिर आगे बंगाल समझना तो डायग्राम लिख पड़ेगी, फिर बंगाल समझ, ठीक है। अब देखो बंगाल में क्या होता है, आप इतना तो जान ही गए कि आपका 1630 स्थापना होगी 1233 में, यानि ओडिशा तक पहुंच चुके थे अंग्रेज, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी? बंगाल की। बंगाल की कहानी को समझते हैं, बंगाल की कहानी को समझते हैं, बंगाल में देखते क्या होता है, ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम बना लेते हैं कुछ कुछ, ठीक है, इस प्रकार से बंगाल का मैप है, ठीक है। बंगाल को समझने की कोशिश करते हैं, तो देखो अब बात आती है बंगाल। अब आपसे एक प्रश्न पूछेगा, यहाँ पर एक प्रश्न ये पूछा जाता है आपसे कि अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री बंगाल में कौन सी थी, ठीक है। तो आपका हमेशा एक आंसर होगा हुगली। आपका आंसर क्या होगा? हुगली, ठीक है, यहाँ हुगली, ये हुगली, तो आपका आंसर होगा हुगली, ठीक, हुगली। मेरी बात समझना, बस था 1651, 1651 की बात थी, एक अंग्रेज था जिसका नाम था आपका ब्रिजमैन, ब्रिजमैन, ठीक है। 1651 में ब्रिजमैन नामक अंग्रेज ने हुगली में, हुगली नाम पर वेस्ट बंगाल, हुगली में, ठीक है, हुगली में एक कोटी की स्थापना कर दी, और वो कोटी कहां पर थी? हुगली में थी। तो अब आपसे एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, कई बार पूछा भी जा चुका है कि अंग्रेजों की पहली कोटी बंगाल में कहां स्थापित हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा हुगली। हुगली में अंग्रेजों की पहली कोटी स्थापित हुई थी, ठीक है, कई बार प्रश्न आ चुका है इसको अच्छे से। कौन संस्थापक था? ब्रिजमैन था संस्थापक यहाँ पर। अब दूसरी बात समझना, 1651 की ही मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 1651 में ही यहाँ पर का जो बंगाल था, बंगाल का जो सूबेदार था, बंगाल सूबेदार, ठीक है, बंगाल का सूबेदार कौन था? उसका नाम था शाह शुजा। बंगाल का सूबेदार कौन था? शाह शुजा। हम बात कर रहे हैं 1651 की, 1651 की बात थी, बंगाल का सूबेदार कौन था? शाह शुजा था। शाह शुजा से एक अंग्रेज मुलाकात करता है, एक अंग्रेज मुलाकात करा, ठीक है, और अंग्रेज का नाम था गैब्रियन बॉन्टन, गैब्रियन बॉन्टन, गैब्रियन बॉन्टन, गैब्रियन बॉन्टन था कौन तुम इस बारे में बता दूं? शाह शुजा का एक चिकित्सक परामर्श था, मतलब एडवाइजर था डॉक्टर वगैरह, गैब्रियन बॉन्टन एडवाइजर था शाह शुजा के यहाँ पर, बंगाल के सूबेदार के यहाँ पर, ठीक है। अब हुआ क्या, शाह शुजा का एक हरम था, हरम आप समझते हैं हरम क्या होता है? हरम को बहुत अच्छे से आप समझोगे मुगल काल में, ठीक है, मुगल काल में हरम पर अकबर का हरम, जहांगीर का हरम, शाहजहां का हरम,
ठीक है। इस पर अकबर के नाम पर तो कई बार प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं, लेकिन जीएस में नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में। ठीक है, तो हरम ये होता था, शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, कि जो दासी हुआ करती थी, है ना, जो दूसरे राज्यों को जीत करके, महिलाओं को जीत करके ले आते थे राजा महाराजा, उन सबको, या कई बार तो उनको हिजड़ों को भी उसमें शामिल कर दिया जाता, उन सब का सम्मिलित रूप होता था वो हरम कहलाते थे। और एक एक हरम में तीन तीन दस दस हजार महिलाएं, रानी महारानियां, रानी वगैरह दासी के रूप में या रानी वगैरह रहते थे, वो एक तौर पर कहा जाता हरम था। मेरे पास समझना, अब यहाँ पर लौटते हैं। तो ग्रामीण बांटन सासुजा, ठीक है, तो ग्रामीण बांटन कौन था, सासुजा के यहाँ पर एक डॉक्टर था, चिकित्सक था, परामर्श था, उसके हरम में कोई बीमार हो जाता है और उसका इलाज कौन करता है, ग्रामीण बांटन। और इस बात से खुश कौन हो गया, इस बात से खुश हो गया कौन आपका, सासुजा। ठीक है, तो 1651 में सासुजा ने फरमान जारी किया, इसी खुशी में एक फरमान जारी कर दिया, ये हो गया, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, हुगली वाला 1651 ठीक है। तो एक फरमान जारी करा, और फरमान ये जारी करा कि भाई 3000 रुपए, मात्र कितना, 3000 रुपए वार्षिक देने होंगे किसको, ब्रिटिश कंपनी को, किसके लिए, बंगाल के सूबेदार के लिए। ठीक है, और उसके बदले में आप बंगाल से मुक्त रूप से क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। और उसमें बंगाल की बात करें तो वर्तमान का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, वो सब हो गया आपका बिहार और आपका ओडिशा, ये सब इसमें रहते थे। ठीक है, तो 3000 रुपए वार्षिक में, मात्र 3000 वार्षिक में बंगाल बिहार ओडिशा से व्यापार करने की छूट मिल जाती है, अपने आप में ये बहुत बड़ी सफलता थी। 1639 1672 में एक व्यक्ति था, आपको बताता हूं उसके बारे में। ठीक है, 1632 में औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खान। ठीक है, औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खान, शाइस्ता खान। 1672 की बात थी, शाइस्ता खान बंगाल का सुंदर सूबेदार हुआ करता था। ये शाइस्ता खान कौन था, और जब तो मामा था, इसके बाद थोड़ी सी बात बता दूं, ये शाइस्ता खान वही है, इसका एक बार युद्ध हुआ था शिवाजी से, है ना, शिवाजी से युद्ध हुआ था, और शिवाजी ने क्या करा था, इसका अंगूठा काट लिया था युद्ध के दौरान। ठीक है, रात में छापा डाला था, ये सो रहा था, रात में अटैक कर दिया अचानक से शिवाजी की सेना ने, शिवाजी ने, तो इसका अंगूठा कट गया था, ये भाग गया था, तो वही शाइस्ता खान था शिवाजी, और जब तो मामा लगता था। तो 1672 में शाइस्ता खान यहाँ का सूबेदार था, अंग्रेजों को 1653 में जो फरमान जारी हुआ था 3000 रुपए वार्षिक में उनको व्यापार करने की छूट जो मिली थी, उस छूट को 1672 में दोबारा के कर दिया गया। मेरे पास समझ गए, 1651 की छूट को दोबारा से 1672 में फिर से दोहरा दिया। ठीक है, 1680 की बात थी, 1680 की बात थी, 1680 में अंग्रेजों ने फिर से इस फरमान को अनुमति प्रदान करवाई किससे, औरंगजेब से। 1651 फरमान जारी हुआ, 72 में किससे द्वारा परमिशन ले ली, इसी फरमान की कॉपी शाइस्ता खान, और फिर किससे परमिशन ली, 1680 में औरंगजेब से। मेरे पास समझ लो, तो उसको दोबारा समय समय पर कहीं ना कहीं रिन्यू, जैसी कंडीशन रिन्यू समझ चुना, उसको दोबारा अप्लाई करवाया गया। अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत यहाँ आती है, मेरे पास समय ना दोबारा से, दिक्कत ये आती है कि बस बात थी 1686 की, 1686 की बात थी, 1686 की बात थी, और 1686 में हुआ क्या, तो 1686 में यह हुआ कि अंग्रेजों ने हुगली, वेस्ट बंगाल में था, हुगली को लूट लिया। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया, और इस बात से नाराज कौन हो गया, औरंगजेब, बोले भाई ये तो गलत बात है, उन्होंने कैसे लूटा, ये करा वो करा। ठीक है, और औरंगजेब ने एक बड़ी सेना भेज दी अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों को हुगली से मार करके भगा दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया, अंग्रेज यहाँ से बंगाल से या हुगली से भाग जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो फिर बाद में रिक्वेस्ट करते हैं औरंगजेब से, है ना, एक व्यक्ति था जाओ चार नाम, जाओ चार नाम,
तो एक व्यक्ति था जॉब जॉर्नॉक। जॉब जॉर्नॉक ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई, दोबारा से अंग्रेजों को लाने का प्रयास करा वेस्ट बंगाल में, और इसकी सफलता भी मिली 1687 में, 1687 में ना, फाइनली अंग्रेजों की वापसी हो गई कहां पर, बंगाल में। मेरी बात समझ गए आप? 1687 में 86 में भगा दिए हुगली से, और औरंगजेब के आदेश पर भगा दिए गए, निकाल दिए गए वहां से, खदेड़ दिए गए वहां के बाहर। लेकिन जॉर्ज जॉर्नॉक के प्रयासों से 1687 में दोबारा से अंग्रेजों की एंट्री हो गई कहां पर, बंगाल में। तो अब पूछेगा आपसे उनकी एंट्री कहां हुई, तो मेरे पास समझना उसकी एंट्री हुई सुतनती। कहां एंट्री होती दोबारा से, सुतनती। सुतनती कहां है, तो यहां वेस्ट बंगाल है, उसके पास में क्या है आपका, सुतनती। ठीक है, तो यहां पर परमिशन हो जाती है सुतनती, 1687 में अंग्रेज यहां पर वापस आ जाते हैं जॉर्ज जॉर्नॉक के प्रयासों से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अंग्रेज वापस आ गए, भाई आ जाओ स्वागत है, दोबारा संदेश जारी हो गया, अंग्रेज वापस आ गए। अब बात समझना आगे के लिए, अब देखो होता क्या है इनके आने के बाद 1690 में यहाँ पर, पहले तो रहने लगे कोई बात नहीं, सुतनती में 1690 में 1690 में इनको परमिशन मिल जाती है अपनी कोटी की स्थापना करने की। इन लोगों ने अपनी छोटी मोटी कोटी बना ली, व्यापारी केंद्र बना लिया, ठीक है, 1690 में सुतनती में छोटी सी अपनी कोटी बना ली। अब हुआ क्या, यहाँ पर एक जिला है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में, इस जिले का नाम है वर्धमान। जिले का नाम क्या है, वर्धमान, या वर्धमान लिखो मिलता है, अब मैप पर देखो मिल जाएगा आपको आसानी से, बहुत फेमस है वर्धमान, या वर्धमान जिला है वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर एक, यहाँ पर जो नेता था या राजा, यहाँ पर जो अधिकारी था, एक अधिकारी था यहाँ पर, और उस अधिकारी का नाम था, तो बच्चों उस अधिकारी का नाम था आपका सोमा सिंह। क्या नाम था, सोमा सिंह, ठीक है। और मैं जो आपको कहानी समझा रहा हूं वो 1696 की बात है, 1696 की बात है। 1696 में वर्धमान के प्रमुख अधिकारी सोमा सिंह था, उसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। विद्रोह किसके खिलाफ करा, बंगाल के सूबेदार के खिलाफ, क्लियर। जब विद्रोह कर दिया तो अंग्रेजों को मिल गया मौका, अंग्रेजों को मौका में ये मिला कि उन्होंने परमिशन प्राप्त करी किससे, बंगाल के सूबेदार से, कि भाई कंडीशन देखो, सोमा सिंह ने विद्रोह कर दिया, हम पर भी अटैक कर सकता है, तो हमें क्या करो, हमें परमिशन दे दो कि हम अपनी सुतनती की जो हमारी कोटी है उसकी क्या कर सके, चार दीवारी कर सके, चार दीवार समझते हैं मतलब, उसकी किलेबंदी कर सके, चार तरफ दीवार बना सके, किलेबंदी कर सके। और अच्छी बात यह हुई अंग्रेजों के फेवर में कि 1696 में इनको परमिशन भी मिल गई कि ठीक है आप क्या करो, सुतनती की किलेबंदी कर दो, 28 फोर्ट को चार तरफ से दीवारों से किलेबंदी करने का मौका मिल गया, किलेबंदी हो गई। सोमा सिंह ने विद्रोह को बात दबा दी, क्या वो बात अलग, ठीक है, अब कोई बात नहीं। अब फिर इनकी स्थिति मजबूत हुई, पहले भगाए 87 वापस आए, फिर स्थापना कर दी 90 में, अब किलेबंदी हो गई 96 में, क्लियर। अब आगे बात समझना, बंगाल में ही डिस्कस करें, बंगाल की मैं कहानी आगे बढ़ा रहा हूँ। बंगाल में ही एक व्यक्ति था, अगर आपने नाम सुनो, अजीम मुस्तान, समझना दोबारा इसको डायग्राम बना लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। अभी देखो कौन था आपका, अजीम मुस्तान, ठीक है, इस प्रकार से ले लेते हैं बंगाल को, चलो समझना तो हमें कौन सा हमें प्रतियोगिता में भाग लेना है, ठीक है, मेरी बात समझना। तो अब बंगाल, बंगाल बस की मैं बात कर रहा हूँ आप 1698 1698 की बात कर रहा हूँ, 1698 की बात कर रहा हूँ, 1698 की बात कर रहा हूँ, 1698 की बात की। बंगाल का जो उसमें सूबेदार था उसका नाम था अजीम उसान, अजीम उसान, ठीक है। अजीम उसान यहाँ का कौन था, सूबेदार था, और इसका जो अधिकारी था, एक अधिकारी था जिसका नाम था इब्राहिम खान, इब्राहिम खान। अजीम उसान 1698 का कौन था, सूबेदार था, इब्राहिम खान कौन था इसका अधिकारी था, बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत जबरदस्त है ना, कई बार यहां से प्रश्न आया, जिस प्रकार से मद्रास महत्वपूर्ण था उसी प्रकार से यहाँ महत्वपूर्ण है, समझना मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, जबरदस्त एकदम, ठीक है। तो 1698 में अजीम उस्तान था, उसका अधिकारी कौन था, इब्राहिम खान, ये कौन था, सूबेदार था, ठीक, कहां का, बंगाल का। अब समझो मेरी बात, मैंने आपको बताया था जॉब जॉर्नॉक के विषय में, अभी जॉब
चाणक्य। अंग्रेज का जॉब चाणक्य किससे मिला? इब्राहिम खान से मिला। इब्राहिम खान से मिला, इससे मुलाकात करी और इसने मांग की कि भाई जो सूता नदी है उसके आसपास के हमें गांव दे दिए जाएं, ठीक है। और ये इससे क्या हो गया? सहमत हो गया। और इब्राहिम खान ने जॉर्ज चाणक्य को या कहा जाए अंग्रेजों को तीन गांव प्रदान करे, तीन गांव क्या कर दिए? प्रदान कर दिए। वो तीन गांव कौन कौन से थे? तो देखो, एक तो आपका सूता नदी पहले से था, अब वो गाँव उसको दे दिया गया, बेच दिया गया उसको, सूता नदी था, ठीक है। एक तो आपका कलिका था, कलिका था, और एक था आपका गोविंदपुरी, गोविंदपुरी। तीन गांव अजीमुस्तान के प्रमुख अधिकारी इब्राहिम खान ने तीन गांव जॉ चौड़ नाव को दे दिए, सूतनाती, कलिका था और गोविंदपुरी, ठीक है। ये तीन गांव यहां पर मिल गए, ठीक है। और ये तीन गांव को हो गए मिल गए किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने तीनों गांव को मिला दिया, तीन गांव को मिलाया, तीन गांव को मिला के एक शहर बनाया और उसी शहर का नाम होगा जो वर्तमान आप जिसे जानते हैं कलकत्ता। तीन गांव को मिला के एक शहर बना कलकत्ता, और एक बड़ा शहर की स्थापना, किस शहर की स्थापना हो गई? कलकत्ता शहर की स्थापना हो गई, ठीक है। अब यहां से प्रश्न आपसे पूछता है कि कलकत्ता शहर की स्थापना किन तीन गांवों को मिलाकर के की गई थी? पहला सूतनाती, दूसरा कलिकाता, तीसरा गोविंदपुरी। फिर आपसे पूछता है कलकत्ता का संस्थापक कौन था? आपका आंसर जॉब चाणक्य। फिर आपसे पूछता है किस वर्ष स्थापना की गई थी कलकत्ता की? 1658। बात समझ में आ गई यहां तक? मेरी बात समझ लेना, बहुत जबरदस्त है, यहां से जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो 1698 में यहां पर इसकी स्थापना हो गई, तो कलकत्ता की स्थापना हुई। अब एक प्रश्न और आता है यहां से, जो फेवरेट प्रश्न है, पूछता है कि कलकत्ता में किस किले की स्थापना की थी और इसका प्रथम मतलब प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, ठीक है। तो ये आपका कलकत्ता, ये क्या है आपका कलकत्ता है, कलकत्ता, कलकत्ता में जो मतलब एक किले की स्थापना की, फोर्ट विलियम। तो आप पूछेगा फोर्ट विलियम किला कहां पर है, किला फोर्ट विलियम कहां पर है, ठीक है। तो कलकत्ता में संस्थापक कौन हुआ? जॉर्ज चाणक्य हो गया। वर्ष 1658 विलियम, उस समय सम्राट था, उसके नाम पर ही फोर्ट विलियम के नाम रखा गया था। अब एक प्रश्न पूछता है कि जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, ये कलकत्ता जो प्रेसिडेंट बनाई गई थी, उसका प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? तो उसका नाम था चार्ल्स ऑयल। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट समझना, चार्ल्स ऑयल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था, तो आपका आंसर होगा चार्ल्स ऑयल। क्लियर, यहां तक नो डाउट? चलो अब बात समझते हैं आगे। अभी एक शब्द आएगा अजीमुस्तान, ऐसे थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ अजीमुस्तान के बारे में, अजीमुस्तान कौन था, ठीक है। तो थोड़ा समझ लो बस, ऐसी इससे याद रहेगा आपको ना अजीमुस्तान के बारे में, या नहीं? हाँ, अजीमुस्तान के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ उससे पहले, जो आपको मैं लेटर मुगल एम्पायर की, लेटर मुगल एम्पायर पढ़ाए हैं, स्टार्टिंग की जो मेरी वीडियो है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, आपको अजीमुस्तान के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बहादुर शाह की प्रगति उसकी चार बेटे थे, उसमें से एक अजीमुस्तान था, वो उस समय यहाँ पर क्या था, सूबेदार था बंगाल का। तो आपको सोचना हो तो बैक में जाकर वीडियो आप देख सकते हो, आपको पूरा इतिहास मिल जाएगा उसका, ठीक है। उसको रिवाइज यहाँ नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया, यहाँ तक बात हमारे समझ में आ गई। अब मैं बात बढ़ाते हैं आगे के लिए। अभी समझना, मद्रास समझाए, बंगाल को फाइनल कर रहे हैं, बंगाल को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे भी मुंबई को। अभी मुंबई के बारे में और जानना है, पूछता है ऐसा मुंबई का वर्तमान में मतलब आधुनिक मुंबई का संस्थापक कौन है, उसको भी जानेंगे। अब देखो दोबारा आते हैं बढ़ करके वहीं पर बंगाल पर, मेरी बात समझो, ठीक है। यहाँ आपका हो गया बंगाल इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया आपका बंगाल, ठीक है। अब बात थी 1715 की, बात कर रहे 1715, 1715 में बंगाल से दिल्ली के लिए, या जो मुगल सम्राट था उसमें फर्रुख सिया, मुगल सम्राट था दिल्ली में फर्रुख सिया था। तो बच्चों 1715 की बात थी, दिल्ली में मुगल सम्राट कौन था? फर्रुख सिया था। एक व्यक्ति था सरमन, इसको सरमन नाम है, क्या नाम था? जॉन सरमन, आई थिंक जॉन सरमन, ठीक है, जॉन सरमन था। इसके नेतृत्व में एक अभियान भेजा गया, कहां से? कलकत्ता से। कलकत्ता से कहां भेजा गया? दिल्ली। दिल्ली में कौन था? फर्रुख सिया। फर्रुख सिया कौन था भाई? दिल्ली का सम्राट था, मतलब मुगल सम्राट था। तो 1715 में सरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेज है ना मंडल मुलाकात करने जाता है फर्रुख सिया से, यानी कि दिल्ली में मुगल सम्राट से। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था
कि कलकत्ता या बंगाल में 38 गांव उनको परमिशन दे दी जाए खरीदने की, किसको, अंग्रेजों को। वो 38 गांव खरीदना चाहते थे बंगाल में, जिसकी परमिशन किससे प्राप्त करनी थी, फर्रुख सियर से। ठीक है, 1717 चल लिया, बाकी 1717। ठीक है, इस सरमन जो सिस्टमेटिक वे है, इसमें व्यक्ति था विलियम हैमिल्टन। मेरी बात समझना, विलियम हैमिल्टन, विलियम हैमिल्टन। सरमन के नेतृत्व में एक अभियान गया फर्रुख सियर से मिलने, उसमें व्यक्ति शामिल था जिसका नाम क्या था, विलियम हैमिल्टन। और विलियम हैमिल्टन कौन था, सर्जन था, एक डॉक्टर था, सर्जन था। ठीक है, और जब विलियम हैमिल्टन उसके दरबार में पहुंचा फर्रुख सियर में, तो उसने देखा, अब कुछ किताबों में कंफ्यूज मिलता है, सर्च कर जाना, तो फर्रुख सियर या फर्रुख सियर का जो हरम था वहां पर कोई व्यक्ति बीमार था, कहते हैं या तो फर्रुख सियर का स्वयं या फर्रुख सियर का जो हरम था उसमें कोई व्यक्ति या महिला जो भी था कोई बीमार था, और उसको ऐसी बीमारी थी लाइलाज, जिसका कोई इलाज नहीं था। ठीक है, लेकिन उस बीमारी के इलाज किसने करा, विलियम हैमिल्टन ने। विलियम हैमिल्टन द्वारा इलाज करे जाने पर कौन खुश हो गया, फर्रुख सियर। अब खुश हो गया भाई, अब खुश हुआ तो 1717 में फरमान जारी कर दिया, 1717 ने फरमान जारी कर दिया, और फरमान ये जारी करा कि 3000 रुपए जो वार्षिक पहले से चला आ रहा था, 1632 में जो साइन सॉरी 1651 में 1651 में जो 700 जाके समय फरमान जारी हुआ था, उसको दोबारा क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट मार दिया कि ठीक है, उस आदेश को दोबारा साइन कर दिया फर्रुख सियर द्वारा। यही वो यही रुका और क्या करा, 10,000 रुपए वार्षिक में उसको सूरत से, गुजरात के सूरत से अंग्रेजों को छूट मिल गई कि यहाँ से तुम व्यापार कर सकते हो। और वो यही भी रुका मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में अंग्रेजों की टकसाल थी, और मुंबई महाराष्ट्र में जो सिक्के ढाले जाते थे उनको बंगाल में या कहा ब्रिटिश क्षेत्र में पूरे भारत मुगल सम्राट ने द्वारा उन सिक्कों को परमिशन दे दी कि वो परमिशन सिक्के होंगे अंग्रेजों के, जो मुंबई में ढाले गए हैं वो पूरे मुगल सम्राट मुगल राज्य में क्या होंगे, स्वीकार होंगे। तो तीन बड़ी बातें, पहला 3000 रुपए बंगाल से छूटे मिले व्यापार की, दूसरी 10,000 रुपए में सूरत से छूटे मिल गए, और तीसरी मुंबई में ढाले गए सिक्कों को मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति मिल गई, अब अंग्रेज अपने सिक्के चला सकते थे। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि अंग्रेजों को सिक्के की अनुमति कहां मिली थी, तो आपको मिली थी यहां पर 1717 के फरमान। ठीक है, एक इतिहासकार हुआ है, उस इतिहासकार का नाम है ओर। इतिहासकार ओर ने कहा था कि ये 1717 का शाही फरमान था, 1717 जो शाही फरमान था उसको मैग्ना कार्टा कहा है। क्या कहा बच्चों, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा कहा है। क्या कहा है, मैग्ना कार्टा। और ने इस फरमान को 1717 के फर्रुख सियर के फरमान को मैग्ना कार्टा कहा है। अब एक बात थी, मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो मैं आपको बस शॉर्ट में एक लाइन बता दूं मैग्ना कार्टा क्या होता है। मैग्ना कार्टा समझ लो, आप किसी विषय पर कोई बहुत बड़ा कानून है ना, या किसी विषय को लेकर के पहली बार नियम कानून बनाया जाए और जो आगे चल के बहुत ज्यादा प्रभावित करे, वो मैग्ना कार्टा होता है। क्लियर, मेरे पास पता गया आप यहाँ तक। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट से मिलेगी यहाँ तक बंगाल की कहानी। अब हम बंगाल की कहानी समझ है ना, बंगाल को ये हो गए थे, क्यों, क्योंकि इससे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर बंगाल और क्योंकि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना होती मुर्शिद कुली खान को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बंगाल फिर वहां से स्टार्ट हुआ और अंग्रेजी कहानी फिर वहां से स्टार्ट होगी। तो वहां हम नहीं जा रहे, अब बंगाल को हम ये रोकते हैं, रिटर्न यहाँ से वापस आते हैं। अब हमारे एक शहर बचा मुंबई, यहाँ था आपका मुंबई। ठीक है, सूरत में आप जाना कि 1708 में यहाँ पर स्थापना हो गई, सूरत में फैक्ट्री की स्थापित हो गई। अब बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई की कहानी समझते, मुंबई कहानी क्या थी, तो समझते मेरी बात को। तो वर्ष था आपका 1669, वर्ष था 1669 में एक व्यक्ति था गैरॉल्ड, गैरॉल्ड अंगिया, व्यक्ति का नाम क्या था, गैरॉल्ड अंगिया। 1669 में एक व्यक्ति था गैरॉल्ड अंगिया। गैरॉल्ड अंगिया को क्या करा गया था, पहले से पहले मुंबई को समझो, मुंबई इनके हाथ में आया कैसे, है ना, एक बार दोबारा समझाता हूँ इसको, दोबारा से आपको समझाता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा, कि क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही कि मुंबई अंग्रेजों को कैसे मिला था। अगर आपको याद होगा आपने पुर्तगाली वाली वीडियो देखी है तो मेरी बात समझना दोबारा। यहाँ पर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपके सूरत को, आप जान गए, यहाँ बात कर रहा हूँ मुंबई की, मान लो आपका मुंबई। मैंने आपको बताया था कि 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ था चार्ल्स सेकंड के साथ। ठीक है, वो कौन था उस समय,
क्या कहते हैं आपका सम्राट था, कहाँ का? ब्रिटिश सम्राट था, ब्रिटेन का सम्राट था। उसका विवाह हुआ 1668 में। 1668 की बात नहीं, 1668 की बात थी। सम्राट चार्ल्स सेकंड ने, सम्राट चार्ल्स सेकंड ने मुंबई मुंबई ब्रिटिश कंपनी को, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, मात्र 10 पाउंड वार्षिक रेंट पर दे दिया। मुंबई 1668 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स सेकंड द्वारा मात्र 10 पाउंड में वार्षिक रेंट पर किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजों को दे दिया। इसको कहां से मिला था? 1661 में पुर्तगालियों ने इसको दहेज में दिया था चार्ल्स सेकंड। मेरे पास मानिए, अब इनको मिलकर ठीक है। अब भाई 1669 की बात थी। अब हुआ क्या, एक व्यक्ति था गेराल्ड अंगिया, गेराल्ड अंगिया, गेराल्ड अंगिया को 1669 में सूरत का प्रेसिडेंट और मुंबई का गवर्नर बनाकर के भारत भेजा गया, भारत आता है, ठीक है। तो अब एक यहाँ प्रश्न पूछता है आपसे कि क्या कहते हैं आपका मुंबई का संस्थापक कौन था, आधुनिक मुंबई का संस्थापक कौन है? तो गेराल्ड अंगिया को आधुनिक मुंबई का संस्थापक माना जाता है। क्लियर, डैश क्लियर। आगे देखो, मेरी बात थोड़ा सा आगे और समझना, बस 5 मिनट में होने वाले टॉपिक के हमारे क्लियर हो जाएगा। गेराल्ड अंगिया मुंबई का आधुनिक संस्थापक हो गया, क्लियर। फ्रॉम मद्रास में संस्थापक हो गया, आपको कलकत्ता का पता चल गया, मद्रास में मुंबई का पता चल गया। ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, बर्थडे एग्जाम कोई भी हो हर किसी पूछ लिया जाता है कि मुंबई का आधुनिक मुंबई का संस्थापक कौन था। ये थोड़ा सा एक्टिव व्यक्ति था, एक्टिव ऐसे था, इसने 1669 में ही एक पत्र लिखा था कंपनी के डायरेक्टर को, और इसने अपने पत्र में ये कहा था कि अब हमारा भारत में इस प्रकार से मतलब हमें अपने तलवार के बल पर, ये बात है 1668 या 1669 की, ठीक है। अब इसने ये बात कही, लेकिन इसका प्रभाव हुआ 15-20 साल बाद, और वो वर्ष था, तो वो वर्ष था आपका 1688। 1688 की बात थी, एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था आपका चाइल्ड, चाइल्ड है ना, जॉन चाइल्ड, व्यक्ति का नाम था जॉन चाइल्ड। 1688 में जॉन चाइल्ड नामक व्यक्ति ने जितने भी यहाँ बैठे आपका पूरा मुंबई से लेकर के पूरा यहाँ तक जितने भी मुगल बंदरगाह थे सबको जीत लिया, सबको जरा जीत लिया। इसकी बात से कहने के प्रेरित था, इसने सब सब क्षेत्रों को जीत लिया था। और आप समझ लो मुगल सम्राट कौन था, उसमें मुगल सम्राट कौन था, उसका औरंगजेब, कौन था? औरंगजेब, ठीक है। इसने सबको जीत लिया, ये बात किसको बुरी लगी? औरंगजेब को बुरी लगी, औरंगजेब ने इसको पकड़वाया, इसका कान में, तो फाइनली इसको फिर माफी मांगनी पड़ी जॉन चाइल्ड को, और माफी मांग करके एक सही 1.2 लाख रुपए इसको हजाना भी देना पड़ा था, बाद में इसको छोड़ दिया था। क्लियर, तो इस प्रकार से हमारी ये कहानी हो गई। और एक बात छोटी सी और बता दूं मैं आपको, सूरत की बात क्या आती है, तो सूरत में देखो आप, सूरत यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर है भरूच, ये सब भड़ौच बोल देते हैं, भरूच या भड़ौच, और थोड़ा सा यहाँ पर आपको मिलेगा अहमदाबाद। तो सूरत, भरूच और अहमदाबाद, इन तीन स्थानों की, इन तीन स्थानों पर मतलब एक बड़ी कोटी के रूप में 1623 तक इन सबकी स्थापना गुजरात में हो चुकी थी। और फिर आगे चल के आगरा में भी स्थापना हुई थी, बंगाल में हुगली के अतिरिक्त ढाका, काशी बाजार और बिहार में पटना में भी विभिन्न कोटियों की स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई थी। मेरी बात सुन रहे हो? यहाँ तक क्लियर समझ में आ गई बात? अब देखो मेरी बात आगे सुन, ठीक है। अब मैं क्या सुन रहा हूँ, मेरे हिसाब से काफी कुछ हो गया इस टॉपिक में, हो गया, ये सब हो गया, मुंबई मद्रास कुछ हो गया डिस्कस, है ना। तो अब कुछ बचता नहीं है ब्रिटिश कंपनी वाले टॉपिक में। अब जो इससे आगे की कहानी है, जब हम पढ़ेंगे, अब इसके बाद फ्रांस से पढ़ेंगे, फ्रांस के बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे बंगाल आपका, हैदराबाद पढ़ेंगे, मतलब आपके राजपूत शासकों पढ़ेंगे, बहुत सारे आएंगे, ठीक है। तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे दोबारा से फिर से बंगाल को अंग्रेजों के साथ, तो वहां पर आपको फिर प्लासी बक्सर अवसर है ना। तो अगर आज की अगर वीडियो वास्तव में आपको अच्छी लगी है ना, तो कम से कम आज की वीडियो देख करके ना, इतना सब कुछ समझने के बाद, तो आज का लाइक है ना और शेयर और एक चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। अगर रियली में अच्छा लगा है तो कम से कम आज वीडियो को क्या लाइक कर दो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्या करो वीडियो को शेयर करो, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा, और हमारे टॉपिक रहेगा वो रहेगा इस बार फ्रांसीसी, ठीक है। फ्रांसीसी कर्नाटक के युद्ध हमारे बेहतरीन तरीके से, मतलब एक ही युद्ध हमारे कम से कम आधा घंटा ले जाएगा, हो सकता है
और ज्यादा समझ ले, एक एक युद्ध इतना समझ ले जाएगा, लेकिन ऐसे आपको पढ़ा दूंगा कि मतलब ए टू जेड आप कभी इसको नहीं भूल पाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, फ्रांसिस। ओके, धन्यवाद।